वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे अलायंस के कुछ रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ वापस से, क्योंकि कुछ प्लेयर्स अंदर आए हैं और कुछ प्लेयर्स बाहर गए हैं। तो कुछ प्लेयर्स अंदर जो है, एक मिनट इसको ठोकने दो, बाद में फिर मैं ठोकता हूँ। पूरा दिन गया है यहाँ पर, अभी बज चुके हैं 6:15 बज चुके हैं। पूरा दिन भर क्या करा था ये उल्लू का पट्टा ठोकने के लिए? रात का ही समय मिला, सॉरी शाम का ही समय मिला, जान दो, इग्नोर करो यार। हाँ, तो मैं कहा था मेरे अलायंस का मैं रूल्स के बारे में बताने वाला था। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के माइंड में, मेरा अलायंस किस लिए है, उसका यूज़ कहाँ मैं कर रहा हूँ और किस तरीके से, टारगेट क्या है अलायंस का वो बता देता हूँ। कुछ प्लेयर्स थोड़ा सा देखा मैंने कमेंट्स, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, तो सोचा क्यों ना इसका बात क्लियर कर ही डालूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे अलायंस में है फ्रीडम, मैं मेरे अलायंस के मेंबर्स पे कोई भी किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं डालता हूँ सबसे पहले। उसके बाद में दूसरी एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी प्लेयर्स अगर ऑफलाइन जाता है या किसी वजह से अगर गेम नहीं प्ले कर पाता है तो कम से कम मुझे मैसेज करता है, तो मैं उसे किक नहीं करता, चाहे वो एक महीने से ज़्यादा ऑफलाइन ही क्यों ना हो। मैंने अभी तक किसी को भी एक महीने से ज़्यादा अगर कोई ऑफलाइन होता है मेरे अलायंस में, इंडियन स्पाइडर के अलायंस में, तो उसको अभी तक मैंने किक नहीं किया था, उसको मैंने वहीं पे रहने दिया था। मुझे उम्मीद है कि वो जब भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी, जो भी उसका प्रॉब्लम होगा वो ख़त्म होने के बाद वापस से गेम में आ जाएगा। तो ये एक होप से मैंने अलायंस में रखा हुआ था। उसके बाद में एक दूसरा, किसी भी प्लेयर्स में मैंने कोई भी प्रेशर डाला नहीं है कि तुम लोग टाइमलाइन बैटल ही खेलो या अलायंस बैटल ही खेलो, खेलना ही है वरना मैं तुम लोगों को किक कर दूंगा, ऐसा कुछ भी मैंने प्रेशर अभी तक डाला नहीं है और ना ही मैं फ्यूचर में कोई कभी डालूंगा। क्योंकि जो प्लेयर्स अपने मन मुताबिक खेल सकता है ऐसा ये अलायंस है। यहाँ पर सबको फ्रीडम दिया मैंने, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपने फ्रीडम का कुछ भी इस्तेमाल करोगे, फ्रीडम का मतलब यह है कि आपके अपने मर्जी के हिसाब से, अपने अपने टाइम के हिसाब से आपको जो सही लगता है, जो ठीक लगता है, वो आप स्टेजेस प्ले करो। किसी के ऊपर भी कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है कि अलायंस आपको बेस करना है, 4 मिलियन तक करना है, 6 मिलियन तक करना है, वरना आप अलायंस में रहने लायक नहीं हो, ऐसा कुछ भी मैंने यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन ऐसा रेगुलेशन बिल्कुल भी बनाया नहीं है, ऐसा प्रेशर मैंने बिल्कुल भी बनाया नहीं है। जिसको जैसा स्कोर जमता है वैसा करे, एकदम फ्रीडम है। कोई भी अलायंस में से टॉप में कोई भी आए, कोई भी लिस्ट नीचे में से कोई भी आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ईमानदारी से खेले, बस यही चाहता हूँ। उसके बाद में दूसरा एक बताता हूँ अभी यहाँ पर, हाँ अलायंस में रही बात अलायंस स्टोर लेवल की, तो जिसको जितना हो सके उतना करे, मुझे कोई ये नहीं है कि कोई करे ना करे, जिसको जैसा ठीक लगे, जिसको जैसा सूट होता है, जिसको जैसा टाइम मिलता है वैसा करे। किसी पे कोई भी प्रेशर नहीं है कि आज मुझे नहीं, मुझे लेवल 9 नहीं करना है तो आज के आज ही मुझे डोनेशन चाहिए वरना सबको मैं किक कर दूंगा, तो ऐसा कुछ भी मेरे इसमें अलायंस में ऐसे रूल्स रेगुलेशन प्रेशर नहीं डाला है मैंने अभी तक और ना ही फ्यूचर में कभी डालूंगा मैं। जिसको जैसा जैसा जमता है, जैसा ठीक लगता है वैसा वो परफॉर्मेंस प्ले कर सकता है, फ्रीडम जो मैंने दिया हुआ है मेरा अलायंस में। और एक चीज़ मेरे अलायंस में फ्रीडम का मतलब और एक है, जिसको आना है आ सकता है, जिसको जाना है जा सकता है। मेरे अलायंस का जो रूल्स रेगुलेशन है वो मेरे है और मैंने दूसरों के हेल्प के लिए बनाया हुआ है, ना कि यहाँ पर मैं ABX में या फिर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या फिर दूसरों को क्या कहते हैं उसको बढ़ावा चढ़ावा करने का वगैरह, ऐसा कुछ भी टारगेट से मैंने ये अलायंस क्रिएट नहीं किया हुआ है, समझ लो बात। उसके बाद में अगर जिसको अलायंस मेरा अलायंस का रूल्स रेगुलेशन अच्छा लगता है या फिर कुछ बातें अच्छी लगती है तो वो रह सकता है, जिसको पसंद नहीं आती है, उसको लगता है कि नहीं मैं ऐसे ये अलायंस में मैं रहने लायक नहीं हूँ या फिर मुझे किसी और अलायंस में जगह मिलेगी जहाँ पर मैं मुझे मेरे हक का जो भी है ABS वगैरह AC अलायंस कॉन्क्वेस्ट खेलने का मौका मिलेगा, तो ऐसे अलायंस में आप लोग जा सकते हैं, कोई परेशानी की दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग जाना है तो जा सकते हैं और रहना है तो रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी एक चीज़ दूसरा बता दो यहाँ पर, दूसरा पॉइंट है टीच एंड हेल्प। मेरे अलायंस का काम है सिखाना और दूसरों की मदद करना, जितना हो सके उतनी दूसरों की हेल्प करना और सिखाना, सही क्या है गलत क्या है, उरू कैसे लगाना है, ऑब्लिक कैसे लगाना है, उसके बाद में CTP किसको देना है, यूनिफॉर्म कैसे परचेस करना है, करना है कि नहीं करना है, नेक्स्ट अपडेट क्या होगा वगैरह ETC, सब कुछ हेल्प करना मेरे अलायंस का काम है। दूसरों की हेल्प करना, किसी ने भी कोई भी क्वेश्चन कर दिया या कौन सा यूनिफॉर्म करना है या कौन सा CTP किसको देना है, उसके कैरेक्टर को कहाँ यूज़ करना है, किस तरीके से कौन सा स्टेज प्ले करना है, क्या कौन से स्टेज में क्या कैरेक्टर को यूज़ करने से क्या होगा, वो सब हेल्प करने का काम जो है मेरे अलायंस के मेंबर और मैं करता रहता हूँ। ये तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सब लोग करते रहते हैं। उसके बाद में दूसरा एक थर्ड पॉइंट यहाँ पर बोल देता हूँ मैं,
नो वायलेंस। मेरे अलायंस में जो भी वायलेंस करता दिखेगा, अगर वो गलत साबित हुआ, अगर वो किसी गलत बात को लेकर अगर वो गलत साबित हुआ, यानी वो जिस बात के लिए वो लड़ रहा था, झगड़ रहा था, या जो भी कुछ होगा वो उस बात के लिए अगर वो गलत साबित हुआ, तो वो तुरंत मेरे अलायंस से किक कर दिया जाएगा। जैसे ही अलायंस कॉन्क्वेस्ट ख़त्म हुआ, जिस दिन वो रिसेट हुआ, उसी दिन मैं उसको किक कर दूंगा। अब मैं नाम बताता हूँ, 1 2 3 नाम है एक मेंबर का, लास्ट का नंबर है उसका 1 2 3। वो अलायंस में से मेरे नेक्स्ट फ्राइडे को किक हो रहा है। अब उसको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसने वायलेंस कर दिया बिना किसी मतलब के, बिना जान पहचान के उसने वहाँ पे वायलेंस कर दिया। वो मैंने देख लिया, अब वो गया काम से। उसके बाद में मेरे अलायंस में किसने भी अगर वायलेंस किया, या समझो अगर गलती से वायलेंस हो जाता है तो ठीक है, माफ़ कर देते, या मजाक मस्ती में वायलेंस कर देते तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर जानबूझ के किया, ऊपर से किसी को मतलब रीज़न जानने की कोशिश नहीं किया, कभी पूछा नहीं, उसके बाद में तुम लोग जानबूझ के अगर वायलेंस कर रहे हो तो फिर किक होंगे। वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो पुराने प्लेयर हो, नया प्लेयर हो, कि बहुत ज़्यादा प्लेयर हो, कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एबेक्स करने वाला प्लेयर हो, कोई भी हो, मैं तो किक करके रहूँगा। मेरे अलायंस में वायलेंस नहीं चलेगा, बस। दूसरा, चौथा पॉइंट, गुड प्लेयर, कोई भी प्लेयर हो चलेगा, लेकिन वो दिल से और अच्छे से ईमानदार प्लेयर होना चाहिए, पूरे ईमानदारी के साथ खेलने वाला। ऐसा नहीं कि कोई भी बाहर का आ गया और हैक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, यहाँ पर ये लिंक दे रहा है, वो लिंक दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी बंदा मेरे प्लेयर में नहीं, मेरे अलायंस में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसे प्लेयर मैं ऑलरेडी बहुत पहले झेल चुका हूँ, कि जो आ रहे थे अलायंस में, वहाँ पर ऐसे ऐसे वेबसाइट का नाम बता रहे थे, यहाँ पर फ्री क्रिस्टल मिल जाएगा, यहाँ पर हैक हो जाएगा, ऐसा ढमका टमका ढिमक्का टिमक्का बता नहीं ऐसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे। तो ऐसे जैसे मैंने देखा, मैं तुरंत उसको किक किया, ये बहुत पहले की बात है। तो ऐसे बिल्कुल भी प्लेयर्स मेरे अलायंस में तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एकदम अच्छे वाले प्लेयर चाहिए, एकदम मतलब टॉप के भी नहीं, लेकिन जैसे दिल के अच्छे होने चाहिए प्लेयर, बस। ये मेरे अलायंस के कुछ रूल्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर पसंद आता है ठीक है, नहीं आता है तो चुपचाप यहाँ से निकल सकते हैं, 2 मिनट के अंदर, 2 सेकंड भी आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, गेट आउट। सीधा साफ रूल, क्लियर बता दिया मैंने, जिसको पसंद है वो रह सकता है, जिसको पसंद आता है या सूटेबल करता है वो रह सकता है, और जिसको सूट नहीं करता है, जिसको लगता है कि नहीं मुझे किसी और अलायंस की ज़रूरत है, तो बिल्कुल जा सकता है, फ्री टाइम है आपके पास। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, इसका मैन थैंक यू, और जिसको आना है आ सकता है। नेक्स्ट फ्राइडे को मैं सीट अवेलेबल कर दूंगा, जो जो ऑफलाइन है एक बार बता देना, मैं किक नहीं करूँगा, और कितने दिन तक ऑफलाइन रह सकते हो वो भी बता देना, ताकि मैं उतना दिन तक मेंटेन कर सकूँ। और मैं फिर भी किक नहीं करूँगा, 2-3 बार मैं आपको, इसके पहले भी मैंने पूछा कम्युनिटी टैब में भी मैंने पूछा था कि कौन कौन ऑफलाइन, तो मुझे एक बार मैसेज कर दे, तो मैंने वैसा पोस्ट डाला था, कुछ कुछ लोगों ने किए, कुछ कुछ लोगों ने किए, और जिन जिन लोगों ने नहीं किए उनके मैं किक कर चुका हूँ, और जिनने किए थे उनको मैंने वहीं पर, अभी भी ऑफलाइन है, और अभी भी मैंने उनको एक चांस दिया हुआ है कि मुझे बता देना कब तक नहीं आऊँगे, तो मैं उसे आपसे डेट तक उनको किक नहीं करूँगा, और आगे भी अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं किक नहीं करूँगा। अच्छे प्लेयर्स हमेशा मेरे इसमें रहेंगे, चाहे वो ऑफलाइन ही क्यों ना हो। तो प्लीज़ लगे शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू, और जिसको आना है तो आ सकता है, नेक्स्ट फ्राइडे को सीट अवेलेबल हो जाएगी, कम से कम पता नहीं कितना होगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे प्लेयर्स मेरे अलायंस में हो, बुरे वायलेंस करने वाले गलत जो सोच वाले प्लेयर्स है वो तो मेरे अलायंस में बिल्कुल भी रुक नहीं सकते, 2 सेकंड नहीं रुक सकते, मैं तो किक करके भगा दूंगा।